हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू 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 अ न्यू वीडियो। अब यार देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बार भाई लोग वापस खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। और आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग पिछली बार आए थे कार फॉर सेल सिमुलेटर गेम के अंदर, तो हम लोगों ने अपनी जो डीलरशिप है ना उसको एक न्यू सिटी पे खोला था, जहां पे यार हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी $9,000 से। और उसके बाद हम लोगों ने काफी ज्यादा भाई सब अच्छे से कारें बेची, बहुत ज्यादा मस्त सा प्रॉफिट कमाया और अपने पास टोटल $23,000 हो गए थे। तो यार आज हम लोग $23,000 से करने के वाले हैं और ये बहुत सारी कारें परचेज करने वाले हैं, उनको बेचने वाले हैं। और आज हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि भाई आज हम लोग कुछ भी करके $75,000 तो अर्न करने ही करने हैं। मतलब अपने पास पूरे बैंक बैलेंस के अंदर भाई $75,000 आ जाने चाहिए, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यार आप लोग वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपने लाइक नहीं कराया जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो सब्सक्राइब मारो यार। ओके तो यार चलो भाई साहब, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे एलडी भाई मोटर्स पे, जो कि यार अभी हम लोगों ने एक नए शहर पे खोली है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास 31,500 रुपए हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई पिछली बार जब हम लोगों ने यहाँ पे पूरी पूरी जो कारें थी ना उनको बेच दिया था, मतलब जब हम लोग नई नई यहाँ पे डीलरशिप अपनी खोली थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट करके पूरा 23,000 रुपए कुछ थे, तो यहाँ पे 31,500 कैसे हो गए? तो भाई साहब यार समझो यार, तुम्हारे भाई ने थोड़ा बड़ा काम करा है उसके बाद से, मतलब कि हाँ यार मैंने थोड़ी सी एक दो कारें बेची है तो उससे मेरे जो प्रॉफिट मिला, तो टोटल अभी अपने पास $31,500 हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा सही है। अपना जो डीलरशिप है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो यार देखो, आज मैंने प्लान बनाया कि अभी अपने पास 31,500 रुपए है और आज हम लोग यार नहीं तो भाई $75,000 तक तो कमा ही ले, मतलब प्रॉफिट इतना तो कर ही ले आज हम लोग, ताकि अपनी जो यहाँ पे डीलरशिप है बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करे और हम लोग इस शहर के सबसे बड़े कार डीलर बन जाएं और अपने पास बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सुपर कार्स लग्जरी कार्स आने लगे। और भाई साहब फिर तो यार हम लोगों को बहुत ज्यादा खतरनाक सा नाम हो जाएगा। कह रहा अभी यहाँ पे सुबह है बिल्कुल, तो मैं काम करता हूँ, अभी मैं बस पूजा पाठ करके आया हूँ, तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं हमारे यहाँ पे विलेज पे या फिर कार मार्केट पे, और वहां पे चल के सबसे पहले करें क्या कि हम लोग कुछ कारें लेकर के आते हैं और उनको बेचना स्टार्ट करते हैं। खैर यार जब तक कारें बेच रहे हैं भाई लोग, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं कराया ना, लाइक जरूर से कर देना। और हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे विलेज पे। वैसे विलेज पे आने का खर्चा लगा है $10, तो अपने पास $31,490 हो चुके हैं। खैर यहाँ पे एक काफी खतरनाक सी लग्जरी कार लग रही है वैसे यार, मैं सही बताऊँ तो ये कोई ऐसा नॉर्मल ये सस्ती वाली कार नहीं, पक्का मैं आंटी से पूछता हूँ। हेलो आंटी, यहाँ पे इस कार का प्राइस बताओगे और नाम बताओगे? ओके तो यार देखो, मैंने कहा था ना ये महंगी कार है, इसका नाम है टायोटा सेरोला और इसका प्राइस $24,894 है। तो मैं इसको परचेज करने वाला हूँ डेफिनेटली, क्योंकि ये महंगी कार है। और पता है जैसे डीलरशिप है ना अपनी, अगर हम लोग उसमें महंगी महंगी कारें बेचेंगे ना, तो उससे जो अपना नाम होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब ऐसा होता है कि भाई वो उस डीलरशिप पे बहुत ज्यादा महंगी महंगी कारें बिकती है, तो वहां पे जाकर के खरीदो तो मतलब मस्त चीज होती है ना, नाम बड़ा होता है। लेकिन अगर हम लोग सस्ती सस्ती कारें बेचते रहेंगे हमेशा, तो फिर ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जैसे जैसे बड़े बनते जाएंगे ना, फिर हम लोग सस्ती सस्ती कारें खरीदना बंद करेंगे और महंगी महंगी परचेज करेंगे। तो अभी यहाँ पे अपने पास $31,490 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इस कार को मैं इजिली परचेज कर सकता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ। वैसे इसका प्राइस जो है ना वो $24,894 है, ठीक है? तो अगर मैं इसको थोड़ा सस्ता कराऊंगा तो क्या ये आंटी यहाँ पे $24,700 मान जाएंगी? ओके तो डन यार, भाई साहब ये काम काफी आसानी से हो गया। वैसे मैं अगर थोड़ा सा और प्राइस कम कराने की कोशिश करता तो शायद कम हो जाते। खैर चलो कोई बात नहीं, इस कार को मैंने डायरेक्ट अपने डीलरशिप पे बेच दिया है सर्विस की मदद से। और यहाँ पे अभी एक अंकल है, ये कौन सी कार है? BVME 36, इसका प्राइस है $8,976, मेरे पास है $6,790। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई वो BUCCG नेशनल कार मिल जाए ना, तो मैं उसको परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि उसका प्राइस ऑलमोस्ट ऐसा 6-7 हजार का रहता है, तो वो सही रहेगी। वैसे ये BVME 36 थोड़ी सी महंगी कार है, इसको हम लोग नहीं परचेज कर पाएंगे अभी, क्योंकि अपने पास उतना रुपया नहीं। और सामने फैट फैब्रो खड़ी है, एक वो खड़ी है, एक उधर भी खड़ी, एक उधर कोई लग्जरी कार है भाई, ये पीली कलर की, भाई कितनी प्यारी लग रही है। खैर यहाँ पे एक सुंदर सी लेडी, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे यार इसका भी प्राइस BVME 36 का सेम ही है, और यहाँ पे मुझे कोई BUCCG नेशनल एक सस्ती सी कार होती है यार, वो दिखाई नहीं पड़ रही, अगर वो दिख जाती ना तो काफी देर सही रहता। मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, ये भी BVME 36 है और अपने पास इतना रुपया नहीं है यार, भाई प्रॉब्लम हो रही है। खैर सामने भी कुछ कार है, मैं एक लास्ट ट्राई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक अंकल जी, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये कोई लग्जरी कार मुझे लग रही है, नाम पूछता हूँ।
ओ भाई साहब, मैट्सुबिशी लैंसर एक्स इस कार का नाम है और ये 37,138 डॉलर की। भाई साहब, मैं इन सारी कारों धीरे धीरे परचेज करने वाला हूँ, लेकिन यार अभी तो अपने पास रुपए नहीं है, अभी तो रुपए की तंगी है। तो एक काम करते हैं यार, अपने डीलरशिप पे चलते हैं। और आज जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया भाई लोग, ठीक है, कि अपने को $75,000 से ज्यादा आज अर्न करने ही करने हैं। मतलब पूरे अपने बैंक में इतने रुपए तो आ ही जाने चाहिए सारी कारों को बेचने और प्रॉफिट पे, तो यार हम लोग काफी तक ग्रो कर पाएंगे। मतलब हाँ, उस हिसाब से तो इतना तो यार ग्रो करना ही चाहिए। अगर हम लोग इतना भी नहीं ग्रो कर रहे ना, तो फिर यार हम लोग मतलब प्रॉफिट उतना ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग, जल्दी से ऑफिस चलते हैं अभी, ठीक है। और वहां पे चल के सबसे पहले जो हम लोगों ने कार परचेस करी है ना, टायोटा सेरुला, भाई मुझे ये लग रहा है ना कि ये टेस्ला टाइप में कोई कार है। मतलब कि इस गेम के अंदर ये लोग करते क्या है ना, कि जो कार है उसका नाम ये लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो हम लोगों को ऐसा समझ के ही रखना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे सामने कार पेंट है क्या, हम लोग कार पेंट पे चले और इस कार को हम लोग पेंट करा ले, मतलब इसको सही करा ले अगर इसके अंदर कुछ खराब। ओ भाई साहब, ये जब कार ब्रेक में मारता हो तो लाइट चलती है भाई साहब रेड कलर की। ओ ये तो मस्त है यार, ये सहसा मैंने पहली बार देखा है। खैर, यहाँ पे इसका इंजन ऑफ कर देता हूँ, जल्दी से यहाँ पे उतरता हूँ। और भाई साहब, हेलो 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 हेलो, गाना सुनने वाले भाई साहब, ये यार कार का बताओ इसमें कितना खर्चा है। ओके, तो यहाँ पे रिपेयर कराने में $3,462 और $39 अलग से लगाने पड़े मुझे वॉश कराने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे रुपए यहाँ पे लगा दिए हैं, अपने पास $3,500 के आसपास बाकी है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोग इस कार के ऊपर लगा चुके हैं $36,000 टोटल साइज, 36,000 नहीं सॉरी 3,000 अपने पास बाकी है, 31,000 था, तो मतलब कि अपने पास हम लोगों ने $29,000 के आसपास साइज इस कार के अंदर लगा दिए है। तो अभी हम लोग करने के वाले, सबसे पहले तो मैं जल्दी से इस कार को पार करता हूँ। ओके, आराम से मोड़ता हूँ इसको, आराम से। ओके, डन। तो यहाँ पे मैं इसको खड़ी कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग करने के वाले हैं, जल्दी से चलते हैं अपनी ऑफिस को खोलते हैं और ये कार को जल्दी से लिस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं जल्दी से लिस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओके कार लिस्ट पे चलते हैं। और अभी इसका यार देखो $24,700 का इसको परचेज करा था, रुपये काफ़ी सारे लग गए, तो मैं इसको $45,000 का निकालने की ट्राई करूँगा। अगर ये 45,000 की बिक जाती है ना भाई, इसको हम लोगों ने रिपेयर करा दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। मतलब कि अगर इस पे मेरे $28,000-30,000 लगे हैं, तो उसमें मैं अगर $45,000 की इसको बेच पाता हूँ ना, तो $15,000 प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक प्रॉफिट है। इंट्रैक्ट करते हैं, और नहीं बाइक का समझे यार, ये $32,452 बता रहे हैं। अंकल रहने दो, अंकल आप निकल लो पहली फुर्सत में, दूसरे लोगों का वेट करते हैं यार, दूसरे लोगों को आने का, क्योंकि यार वही आएंगे तभी यार मुझे सही साइड मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, या फिर मैंने भाई गलत तो नहीं कर दिया, मुझे लग रहा है मैं ठग चुका हूँ भाई। ये जो कार है उतनी ज़्यादा महंगी नहीं बिकने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस बताया भाई, मैं बहुत ज़्यादा गंदा फंस चुका हूँ यार। ये कार मेरे लिए महंगी पड़ गई भाई, ये 32,700। मैं काम करता हूँ $35,000 लगाता हूँ, अगर बिक जाएगी। ओके डन, ठीक है, निकल गई यार, छोड़ो। इससे हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट $6,000 का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना मैं चाह रहा था उतना ज़्यादा नहीं हुआ यार, दुख होता है यार। मतलब मैंने सोचा था $45,000 का निकाल दूंगा इसको, लेकिन नहीं निकाल पाया। खैर, मैं कार मार्केट पे चलते ही देखता हूँ, अगर कार मार्केट पे कुछ मस्त मस्त सी कारें देखने को मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। वैसे आज दिन कौन सा है, आज वेडनेसडे है और डन खुली है यहाँ पे कार मार्केट। मुझे लगा था कि शायद ट्यूजडे होगी, ट्यूजडे। ओ भाई साहब, ट्यूजडे को वैसे खुली नहीं रहती है, लेकिन ये कार कौन सी भाई, कितनी प्यारी कार है भाई, कितनी ज़्यादा प्यारी कार लग रही है। ये पोर्शे तो नहीं है, इस पोर्शे ये कौन से मैक्लेरन है। ओके भाई, इसका प्राइस देखो मैक्लेरन का, भाई इसका प्राइस मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, इतना ज़्यादा इसका प्राइस है। मतलब कि $22,95,590 की है, और इतने समय तो भाई मैं अपनी डीलरशिप 6 बार बेचूंगा ना, तब भी नहीं आएंगे मेरे पास रुपए। खैर, यहाँ पे एक बगल में एक और कार है, जो कि है टायोटा MK4, जो कि है $73,000 की। भाई साहब, कुछ ज़्यादा महंगी महंगी कारें नहीं आ रही है, ये कौन सी कार है भाई, ये मैं परचेज करके ट्राई करता हूँ। क्या भाई कसम से गजब ही बेइज्जती हो रही मेरी यहाँ पे आके, मैंने सोचा था सस्ती सस्ती कारें होगी भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कारें आ गई। अभी तो मुझे अपनी डीलरशिप को किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करना है। और ये सेम कार देखो, पिछली बार जब उन्होंने $24,000 की खरीदी ना, $24,700, वो $18,164 की यहाँ पे मिल रही है, मगर इसको अगर मैं इसको $18,000 कहूँगा शायद ये बेच देगा कर। ओके डन यार, ये सही है यार, ये सही है, मैंने इस कार को परचेज कर लिया। मैं एक काम कर दो,
इसको अपने डीलर से बेचता हूँ, इसको वापस से $35,000 निकालने की ट्राई करेंगे। और यहाँ पे तब तक हम लोग और थोड़ी जो कार है इनका प्राइस रेंज पूछते हैं। ये कौन सी है? टेस्ला एक्स। भाई ये टेस्ला कार है भाई, इसकी प्राइस $1,83,000 है। खैर यहाँ पे एक अंकल है, ऐसी ये सस्ती कार है। नहीं यार ये भाई कार मार्केट के अंदर तो खतरनाक ही महंगी कारें आ रखी है। खैर यहाँ पे BVM E36 है और काफ़ी सुंदर सी लड़की उस कार को बेच रही है। मैं परचेज कर सकता था वैसे, लेकिन मेरे पास $20,000 है। मैं सोच रहा हूँ अगर एक महंगी सी कार परचेज कर लूँ तो काफ़ी सही रहेगा। वैसे मुझे लग नहीं, ओ भाई ये लैम्बर्गिनी है, ये लैम्बर्गिनी है, पक्का ये लैम्बर्गिनी है। देखो है, मुझे पता था भाई ये लैंटोर सिनी इन लोगों ने लिख रखा है, लेकिन ये है लैम्बर्गिनी। भाई साहब कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है भाई ये कार, और भाई साहब मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कह रही आप एक और कार में इसका भी देखता हूँ। ओके ये वोक्सवैगन है और इसका प्राइस $17,792 है। मैं काम कर दूँ इसको मैं परचेज करने वाला हूँ। $17,600 नहीं, मैं $500 कह के देखता हूँ ना। ओ नहीं यार ये ऑफिस ये यार बंद हो गई। अब यार भाई किस्मत ही खराब है। एक काम करते हैं जल्दी से ऑफिस चलते हैं, वापस कल आएंगे। और कल यार ये कार चली ना गई हो यार, मुझे परचेज कर लेना चाहिए था। अब भाई स्कैम हो गया यार अपने साथ। ऑफिस चलते हैं जल्दी, सबसे पहले सोना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा गंदा वाला स्कैम हो गया यार। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए तो यार, ऐसा क्यों हो गया भाई? मुझे बहुत मूड गर्म हो रहा है। मैं एक काम करूँगा, अभी हम लोग जल्दी से, अब आ ही गए ना अपने ऑफिस पे, तो मैं इस कार को जल्दी से यहाँ पे पार्क करता हूँ। ओके इस कार को यहाँ पे पार्क। ओए 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 कहाँ कहाँ भाई, एक तो यार ड्रिफ्टे मैं बड़ी तगड़ी मारने वाला हूँ, मारने लगा हूँ, मारने वाला नहीं हूँ, मैं मारूंगा नहीं ड्रिफ्ट। लेकिन यहाँ पे यार पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला ड्रिफ्टर हो गया हूँ, बहुत तेज तेज यहाँ पे ड्रिफ्ट में मार देता हूँ। खैर यहाँ पे मैंने जो कार है ना उसको पार्क कर दिया है। अभी मैं जल्दी से ऑफिस का यहाँ पे गेट बंद कर लेता हूँ, पता नहीं रात में चोरी वोरी हो जाया कि, तो अभी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जल्दी से अभी हम लोग सो जाते हैं। ओके अब कल सुबह हम लोग सो करके उठेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले करने क्या वाले, अपनी जो कार है ना इसको बेचने वाले, इसको मैं $35,000 का बेचने वाला हूँ। और अगर ये $35,000 की बिक जाएगी ना तो अपने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके तो $35,000 के इसको मैंने सेल पर लगा दिया है। क्या ये बिकेगी मुझे ऐसा लग तो नहीं रहे, लेकिन हाँ ट्राई करते हैं। ऑफिस को मैंने खोल दिया है और भाई ये बहुत ज़्यादा मस्त सी कार है। मैं भाई मैं लोगों को समझाऊंगा, जो लोग आएंगे ना खरीदने उनको मैं समझाने वाला हूँ कि भाई लोग बहुत ज़्यादा मस्त सी कार है। ओके तो यहाँ पे एक अंकल जी आए हैं। हेलो अंकल, आप इस कार का कितना रुपए दोगे? ओके $28,248। $35,000 का डन करते हैं ना, आपकी ना मेरी $35,000 पे डन। नहीं करना है, निकल लो पहली फुर्सत। भाई साहब मुझे नई बेचनी है, $35,000 से मैं कम की इसको नई बेचने वाला हूँ। वैसे मुझे लग नहीं रहा है, मैं सही बताऊँ ये $35,000 की बिकेगी, क्योंकि पिछली बार उसको हम लोगों ने अपग्रेड कराया था, मतलब कि हाँ उसके अंदर हम लोग रिपेयरिंग भी कराई थी और वॉश भी कराया था, तब जा करके भाई उतनी महंगी बिकी थी $35,000 की। लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रही है। खैर यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लेडी आ चुकी है। मैं इनसे पूछता हूँ, हेलो 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 आंटी, आप बताओ इसको प्राइस कितना लगाओगे? ओके $28,620। वैसे मुझे लग रहा है ना कि भाई ये $30,000 से ज़्यादा की नहीं जाने वाली है, फिर भी मैं $32,000 का मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये बिक जाएगा तो काफ़ी तो सही रहेगा। नहीं अरे यार ये मना कर रही आंटी, चलो आपकी ना मेरी $31,000 पे डन करते हैं। ओके डन, चलो भाई सब निकाल लो। भाई एक अंकल आए थे, आप यहाँ पे अगली बार आना अंकल, ठीक है? सॉरी हर इस बार बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी जो कार है बिक चुकी है और अपने पास $51,259 हो चुके हैं। हम लोगों ने टारगेट बनाया था $75,000 प्लस करने का, तो काफ़ी तक ग्रोथ अपनी मस्ती हो जाती है और मुझे लग रहा है कि आज हम लोग कर देंगे कुछ भी करके। ओके तो मैं सोच रहा हूँ कार मार्केट पे ही चलो इस बार, दो थोड़ी सी महंगी कार जो है ना उनको लाया जाए, जो काइंड ऑफ लग्जरी कार्स होती है ना, तो उनको अगर हम लोग ले आएंगे तो काफ़ी तक सही रहेगा। ओके तो कार मार्केट यार आज बंद है, आज दिन है ट्यूजडे, कल वेडनेसडे, आज ट्यूजडे कैसे हो गया यार, वेडनेसडे के बाद थर्सडे यार, मैं सही हूँ यार, गजब। आप लोग बिल्कुल मौज ले रहे होगे भाई कि ये अनपढ़ हो गए भाई, मतलब पढ़ भी हुआ है थर्सडे लिखा है भाई, मैंने बस स्पेलिंग देखी टी तो मैंने सोचा ट्यूजडे, लेकिन सॉरी हो गई गलती, हो गई गलती मुझसे, माफ करो। खैर यहाँ पे यार देखो एक आंटी बैठी, ओ भाई साहब ये कितनी ज्यादा स्मार्ट लग रही है। खैर यहाँ पे इनके पास जो कार है ना वो भी बहुत ज्यादा प्यारी है, तो मैं इनसे परचेज करने ट्राई करता हूँ। कौन सी वोक्सवैगन पहल सैस पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी तो मस्त सी कार मुझे लग रही है। मैं सोच रहा हूँ अगर इसको परचेज करूँ मैं ठग ना जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं इस कार में ठग जाऊँगा, लेकिन यार चलो इनसे मैं परचेज करने वाला हूँ, इनसे मुझे व्यवहार बनाना है। ओके $25,500 रिटर्न कर दें। ओके तो यहाँ पे इस कार को मैं जल्दी से जो है अपने डीलरशिप पे भेज देता हूँ, अपने पास $25,000 वापस से अभी बाकी है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे किसी प्रकार से एक और लग्जरी कार परचेज करनी है। खैर जो अभी मैंने कार परचेज करी ना उसको मैं $40,000 का बेचने की ट्राई करूंगा। अगर वो $40,000 की बिकी तो अपने पास ऑलमोस्ट $15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा मस्त रहेगा। खैर यहाँ पे एक और कार है, हाँ ये महंगी लग रही है मुझे। वेल भाई सेम कार मैंने अभी $25,000 परचेज करी है यार, ये मैं मुझे लग रहा था मैं ठग जाऊँ, मैंने आप लोगों से कहा था ना मुझे लग रहा है मैं ठग जाऊंगा। खैर चलो मैं आपका ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा, $70,000 दे दो मस्त डन। ओके अभी इसको हम लोग ले करके जल्दी से पहुंचते हैं अपनी डीलरशिप पे। और भाई साहब अभी दोनों दोनों सेम कार हैं, बस एक रेड कलर की और एक वाइट कलर की, और ये वाली थोड़ी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, वो वाली थोड़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी, उसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा था। ओके तो यहाँ से हम लोग जल्दी से चलते हैं। ओके तो यहाँ पे स्ट्रेट का बोर्ड क्यों लगा हुआ है भाई, हम लोगों को जाना इधर लेफ्ट पे, तो यहाँ पे स्ट्रेट का बोर्ड क्यों लगा हुआ है मुझे नहीं पता है। खैर यहाँ पे इस वेल स्वेकर को भगा करके देखते हैं इसकी स्पीड कैसी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कैसी पड़ती है। वैसे मुझे लग रहा है कि इस कार की ड्रिफ्ट जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। खैर यहाँ पे इसकी जो भाई साहब साउंड है भाई कार का, गजब गजब साउंड है। और यहाँ पे ड्रिफ्टें देखो भाई, तुम्हारा भाई ड्रिफ्टर है भाई खतरनाक वाला। यार मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूँ मुझे लग रहा है। ओके तो हम लोग इधर नहीं चलना है, हाँ हम लोग इधर चल रहे हैं। ओके 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 समझ जा भाई, गिरना पलट पलटना नहीं भाई, नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके तो अपना ऑफिस सामने है, जल्दी से चलते हैं। दोनों दोनों कारों को बेचते हैं, और क्या इन दोनों कारों को बेचने के बाद अपने पास $75,000 आ पाएंगे क्या आप लोग लग रहा है भाई? सही है मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, हम लोग लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को वापस से चलना पड़ेगा कार मार्केट पे या फिर विलेज पे, और वापस से कार लेकर के आनी पड़ेगी, तब शायद से जा करके अपने पास आ पाए $75,000 प्लस, पता नहीं मुझे। चलो ट्राई करते हैं दोनों को दोनों कारों बेचने का, अभी मुझे इनका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आज तक मैंने इन कारों को अपने डीलरशिप पे नहीं बेचा है, तो इनकी ये कितने में बिकेंगी, कितना क्या इनका सिस्टम है मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है। बस मैं अपना यहाँ पे बेचने वाला हूँ मतलब सिस्टम से। ओके तो यहाँ पे मैंने इस कार को परचेज कराया, जल्दी से यहाँ मतलब खड़ी कर दी इसको, हम लोग जल्दी से ऑफिस गेट खोलते हैं और यहाँ पे जल्दी से लिस्ट करते हैं दोनों दोनों कारों को। ओके तो यहाँ पे देखो, ओ यहाँ पे जो दोनों दोनों मॉडल है ना वो कारों का वो अलग है, तभी मैं सोचूं कि कुछ ज़्यादा ही मतलब महंगी नहीं पड़ गई मुझे कार। कह रहा है यहाँ पे $25,500 की जो कार है ना इसका मैं प्राइस लगाने वाला हूँ $45,000। ओके तो यहाँ पे मैं $45,000 कह के देखता हूँ, मुझे नहीं पता ये कितने बिकेगी, लेकिन यार ट्राई करने में क्या ही जाता है। और इस कार को मैं $35,000 का ट्राई करता हूँ। ओके वैसे मैं बहुत ज़्यादा लालच दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ चलो भाई ट्राई करते हैं, अब देखते हैं कितने मिलेंगे। ओके तो अंकल यहाँ पे एक आए हैं, हेलो हेलो अंकल नमस्ते, आप बताओ कितने के लोग की। $70,760 भाई कुछ ज़्यादा ही सस्ती नहीं है, रहने दो आप थोड़ी देर वेट करो, अगर कोई और कस्टमर आता है मैं उनसे बात करूँगा, आपसे मुझे बात नहीं करनी। ओके तो यहाँ पे एक आंटी आई और यहाँ पे एक अंकल जी आए, आपसे पहले मैं डील करता हूँ कितने की लोगे। $31,580 भाई, ये मुझे नहीं लग रहा है $35,000 से ज़्यादा बिकने वाले, मैं ट्राई करता हूँ $35,000 से निकालने का। नहीं यार भाई ये नहीं ले रहा है। ओके अंकल आप $35,000 की लोगे क्या, मैं बताओ $35,000 की ले लो, डन करते हैं डील को। नहीं यार ये भी मना कर रहे हैं, चलो आप लोग अभी जाओ। यहाँ पे एक आंटी आए, मैं इनसे डील करने की ट्राई करता हूँ। हेलो आंटी, ये तो भाई और भी सस्ती बता रही है भाई, मैं इसको $35,000 कह के देखता हूँ, $35,000 नहीं लेने वाले भाई, ये $35,000 की नहीं बिकने वाली। ओके तो मैं अंकल से पूछता हूँ, ये अंकल थोड़ा सा महंगे बता रहे थे। सबसे पहले यहाँ से आंटी आप यहाँ पे घर जा सकती हो, और आप बताओ $31,580 कह रहे थे ना, ठीक है ना आपकी ना मेरी $34,000 पे डन करते हैं भाई। हाँ ठीक है ओके डन, यहाँ पे डील हो चुकी है। और यहाँ पे एक आंटी है, सबसे पहले मैं इनसे पूछने वाला हूँ। ओके तो यहाँ पे $21,000 भाई, मैं $17,000 कर लेके $21,000 सही में भाई, मैं $25,000 की बेच देता हूँ अगर बिक जाएगी तो। नहीं यार ये मना कर रही है। खैर यहाँ पे एक अंकल है, चलो मैं उनसे पूछता हूँ, आप बताओ $21,220 ना इनसे अगर मैं $35,000 की साइज से बेचूंगा तो बिक जाएगी। ओके डन, हाँ तो सही है यार अपना $67,000 हम लोग आ चुके हैं अपने बैंक पे, $739 है, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट भाई $68,000 हो चुके हैं। तो यार चलो एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से वापस से कार मार्केट पे चलते हैं, वैसे कार मार्केट पे चले गए तो अभी बंदी होगी, तो विलेज पे चलते हैं एक बार वापस से, और इस बार थोड़ी सी लग्जरी कार लेकर के आते हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी महंगी एक बार कार परचेज करूँ, एक ही बार मैं तगड़ा प्रॉफिट कमाऊँ, क्योंकि भाई ऐसे सस्ती सस्ती कारें बेच करके ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। एक बार महंगी कार लो उसको डायरेक्ट ही और ज़्यादा महंगे पे बेच दो, डायरेक्ट ही काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। वैसे मैं ट्राई करने वाला हूँ एक खतरनाक सी कार देखने का, अगर भाई अभी कार मार्केट ओपन होता ना तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता, क्योंकि भाई उसमें भाई मस्त मस्त सी कारें लग्जरी कारें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैट फैब्रोज ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं। मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं ये डीलिंग थोड़ी सी मस्त करने वाला हूँ, मैं करूँ क्या यहाँ पे देखो $13,100 के, सही में यार ये बहुत ज़्यादा महंगी बता रहे हैं अंकल।
इतने ज्यादा कि ये बिकती नहीं है कार। आप $12,000 की अगर दे देते हो तो दे दो, नहीं निकल लो पहली फुर्सत में निकल लो भाई। ये मैं सोच रहा था कि फैट फैब्रो अगर 4-5 में खरीद लो और फैट फैब्रोज को चारों चारों पांच को बेच दूं तो उससे मुझे ऑलमोस्ट भाई $10,000-15,000 मैं निकाल सकता हूँ उससे वैसे। लेकिन यार अभी मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोगों को मिलने वाला है ऐसा कुछ भी। तो मैं सोच रहा हूँ अगर कोई महंगी सी कार मिल जाए तो उसी को परचेज करा जाए। वैसे मुझे महंगी कार यहाँ पे यार विलेज पे एक भी दिखाई नहीं पड़ रही। पिछली बार आए थे तो काफी ज्यादा महंगी महंगी कारें थी, लेकिन यार इस बार नहीं है बिल्कुल भी महंगी कार। यहाँ पे एक कार है, मैं इस कार का प्राइस पूछता हूँ। और नहीं भाई और ज्यादा नहीं है, ये महंगी कार लग रही है। ओके तो मैस्टुबाची लेंसर एक्स, इसको $30,826 का बेच रही है। इसको मैं शायद से $50,000 का आप निकाल पाऊंगा, मैं ट्राई करता हूँ। $826 बता रहे ना, $700 कह के देखता हूँ, ऐसे बिक जाएगी मुझे। हाँ मुझे पता था ये ले लूंगा मैं। ओके रिटर्न यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग अपने डीलरशिप पे पहुंचा देते हैं। अभी एक काम करते हैं, एक कार मैं सोच रहा हूँ, अगर एक कार और मस्ती मिल जाए ऐसी लग्जरी कार तो भाई अपना काम हो जाएगा, काफी ज्यादा मस्त प्रॉफिट हम लोग कमा लेंगे, तो यार काफी ज्यादा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यार कार मिल नहीं रही है। BBM E36 ही है ना? ओके तो हाँ ये BBM E36 है। वैसे $10,239 का ये बेच रहे अंकल, यार नहीं चाहिए यार, इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कोई महंगी से लग्जरी कार दिख जाए, लेकिन यार पता नहीं वो कार दिख ही नहीं रही है। मतलब कोई यार ऐसी कार है नहीं लग्जरी वाली यार। भाई विलेज पे पिछली बार तो थी यार, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन यार इस बार नहीं मिल रही यार एक भी कार। ओके तो यहाँ पे नहीं है भाई, ये कौन सी कार है? ये BBM E36 की है ना? ये थोड़ी सी महंगी ना, ये BBM E36 की है, मुझे पता था ये वही है। और देखो भाई $12,770 बिक रहे, ये बेच रही है आंटी। भाई जो लड़कियाँ होती है ना वो ज़्यादा ही दिमाग की होती है, मतलब वो महंगी जो कार होती है ना उसको बहुत ज़्यादा महंगी बेचती है और बहुत ज़्यादा सस्ते में परचेस करते भाई। ये मैंने देखा है भाई डीलरशिप पर, मुझे इतना तो अंदाजा ही हो गया यार। कह रहा है यहाँ पे एक BUCC नेशनल है, वो भी इतने ज्यादा सही नहीं है। मैं एक काम करने वाला हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, जितना अपने पास रुपए मैं सारी सारी फैट फैब्रोस परचेस करने वाला हूँ, उनको सही दाम पे बेचूंगा तो शायद अपना काफी ज्यादा सही प्रॉफिट हो जाए। ओके तो $12,226 की ये कार बता रहे अंकल जी, मैं इनको $12,200 देता हूँ। अरे यार $12,000 देने दे मुझे, $12,200 मैंने क्यों दे दिए भाई यार? ये जल्दी जल्दी में ना मुझे कभी कभी मैं भूल जाता हूँ और मेरे साथ ही मैं अपने साथ ही स्कैम करा लेता हूँ भाई, गंदा वाला स्कैम करा लिया। खैर यहाँ पे ये तो काफी ज्यादा महंगी बता रहे थे, इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं। चलो $13,100 की मुझे नहीं परचेस करनी है, इससे अच्छी यहाँ पे दो और फैट वेब्रोज खड़ी हुई है, मैं इनको देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, सही दाम पे मिल जाएगी तो सही रहेगा। और यहाँ पे देखो आंटी ये बहुत ज्यादा महंगी कार लगाएगी, मुझे पता है। देखो है, मैंने कहा था भाई ये लड़कियां बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है, मतलब एक कार जो $12,000 की मैं इजिली परचेस कर सकता हूँ उसको $15,000 की आंटी बता रही है। बूढ़ी आंटी तुम्हारे अंकल क्या ही बताया जाए। खैर यहाँ पे एक आंटी एक और है, हाँ इस कार का प्राइस बताओ कि ये सही बेच रही $12,089। मैं काम करता हूँ, इनको $11,900 की परचेस करने की ट्राई करते हैं। और यहाँ पे बिग मतलब परचेस हो गई, इजिली परचेस हो गई। खैर अपने पास $12,929 वापस बाकी है, एक और फैट फैब्रिक में परचेस कर लेता हूँ, सारी की सारी कार हो गई एक साथ बेचते के। ओके तो डन यहाँ पे इसका। ओ नहीं यार ये अंकल भी भाई दिमाग लगा रहे हैं अंकल, यार काफी ज्यादा ही महंगी कार नहीं बता रहे हैं? मतलब यार इतने में सही बताऊँ इतने में बिकती नहीं है यार कार, ये जो मैं परचेस करूंगा अगर ऐसे में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा। ओके तो फैट फैब्रिक यहाँ पे खड़ी हुई है भाई। नहीं यार $13,870 भाई कसम से यार, थोड़ी सस्ती लगा लो यार, है मतलब बहुत ज्यादा ही लूटने पे तुले लो। कह रहे यहाँ पे एक आंटी जो कि BBM E36 बेच रही है, ओ ये सही है यार, मैं इसको परचेस करता हूँ। $7,891 की है, $7,700 की मैं परचेस करने ट्राई करता हूँ। ओके नहीं मान रही यार आंटी, चलो $800 लो, $7,800 लो मुझे डायरेक्ट दे दो, ये कार मैं सही प्राइस बेच दूंगा, इसको मैं $12,000-13,000 का निकाल दूंगा पता है, और अपना काफी तो सही प्रॉफिट हो जाएगा उसमें, $4,000-5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा तो सही रहेगा काफी। अभी यार एक काम कर दे, सारी तो सारी सारी हमने परचेस कर लिए, जितना अपने पास रुपया था वो सारे सारा स्पेंड कर दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग जल्दी से अपना जो डीलरशिप है ना वहाँ के लिए निकलते हैं। और ये यार भाई ड्रिफ्टे भाई साहब खतरनाक वाली ड्रिफ्टे मारने लगा हूँ मैं, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ओके हो गया काम, ठीक है ओके। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, ऑफिस का जल्दी से दरवाजा बंद करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे सोते हैं, अपना काम सारा सारा हो चुका है, बस हम लोगों को अभी उठना है और आज भाई जो चारे चारे हम लोग कार लाए हैं उनको जल्दी से बेचना है। ओके तो यहाँ पर हम लोग उठ चुके हैं, जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर पे, कार को लिस्ट करते हैं, जल्दी से ऑफिस को ओपन करते हैं। ओके $30,700 की, इसको मैं $50,000 का बेचने की ट्राई करता हूँ, शायद से बिक जाए पता नहीं मुझे। हाँ $12,200 की ये फैट फैब्रो है, इसको मैं $16,000 का लगाने वाला हूँ,
सारी की सारी वैसे मैं 16,000 डॉलर की लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है ना वो ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। ओके, तो BME 36 का प्राइस 13,000 डॉलर, ये बिक जानी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिक जाएगी, पता नहीं यार ये बिकने वाली या फिर नहीं, मुझे नहीं पता है। कह रहा चलो ठीक है, सारी सारी कारें जो लिस्ट हो चुकी हैं अभी बस हम लोग वेट कर रहे हैं कस्टमर्स के आने के। एक बार कस्टमर्स आ जाएं, सारी सारी कारें बिक जाएं, उसके बाद शायद से हम लोग 75,000 डॉलर से तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक लड़की आई है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी है। ओके, तो आप बताओ यहाँ पे आपको कितने कितने चाहिए, बताओ आप बताओ। ओके, तो यहाँ पे आप बताओ 11। ओ वाह भाई, ये नहीं यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता हो गया। 13,000 डॉलर का आप ले लो ना, मतलब सही है यार, मस्ती कार है, उड़ाओ जाके बिल्कुल। ओके रिटर्न, तो यहाँ पे एक कार मैंने बेच दी है। अब ये लग्जरी कार यहाँ पे एक अंकल लेने आए हैं जो कि 43,460 डॉलर मतलब लगा रहे हैं। अगर मैं इनको 45,000 डॉलर कहूँगा ना इसलिए ले लेंगे, लेकिन मैं इतने के बेचने नहीं वाला हूँ, मैं 50,000 डॉलर से कम भी नहीं बेचूंगा। ओके सही, नहीं तो अंकल आप जा सकते हो यहाँ से, मुझे नहीं बेचनी भाई, 50,000 डॉलर से नीचे नहीं बेचनी। ओके, तो यहाँ पे ये फैट फैब्रो है अंकल, जिसका प्राइस लगा रहे हैं 14,935 डॉलर, मैं 16,000 डॉलर कहता हूँ। ओके डन, ये बिक चुकी है कार। अभी यहाँ पे दो कस्टमर्स और खड़े हुए, दोनों दोनों बूढ़ी आंटी हैं और ये 16,000 डॉलर की इजीली ले रही हैं यार। हाँ भाई ये तो सही है यार, मैं डायरेक्ट सेल करता हूँ। ओके डन, तो यहाँ पे अपने पास 50,000 डॉलर हो चुके हैं, अभी बस मुझे इस कार को बेचना है और ये कार जैसी बिकी ना अपने पास काफ़ी दम मस्त रुपया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंटी 50,000 डॉलर की ले लो यार, मतलब कि यार ना आपकी ना मेरी 50,000 डॉलर पे डन कर दे ना। ओके डन भाई साहब, हम लोगों ने 75,000 डॉलर का टारगेट रखा था कि भाई अपनी जो ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा मस्त हो जाएगी अगर अपने पास 75,000 डॉलर हो गए तो। लेकिन यार हम लोगों ने पूरे पूरे 1,00,000 डॉलर कमा लिए, 1,00,000 डॉलर से ज़्यादा भाई। डीलर्स भी आज तो हम लोगों ने खतरनाक ही काम करा है भाई। अभी हम लोग अगर डेकोरेशन पे जाते हैं और हम लोग डेकोरेशन कराने की ट्राई करेंगे, अपने पास बहुत ज़्यादा रुपया है तो हम लोग मस्त से मस्त डेकोरेशन करा सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे कराने वाले। सबसे पहले हम लोग अपनी जो LD भाई मोटर्स है ना उसको अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है, इसको अपग्रेड करेंगे, उसके बाद वापस से डीलरशिप पे चले गए। और अभी तो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी कारें मैं लाने वाला अपनी डीलरशिप पे, धीरे धीरे अपने पास बहुत ज़्यादा रुपया आ चुका है और ऐसे कर करके हम लोग नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा अमीर बनेंगे। खैर उम्मीद है आप लोगों को आज का जो गेम प्ले वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम आकर के हम लोग बवाल करने वाले हैं। खैर चलो भाई लोग, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे, बाय।